जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, हमें दो बाइकर स्टंट करते हुए दिखाए जाते हैं। दोनों बाप बेटा थे। बेटी का नाम जॉनी होता है और स्टंट करते करते जॉनी की बाइक का बैलेंस आउट हो जाता है और वो गिर जाता है। शो से फारिग होने के बाद जॉनी के फादर गुस्से से कहते हैं, देखो आज तो ऐसा हो गया, लेकिन आइंदा तुम अपना फोकस पूरा का पूरा अपने काम पर रखना। वो घर जाता है तो उसकी नजर नीचे गिरे हुए एक पेपर पर पड़ती है। जब वो उठाकर उसे पढ़ता है तो उस पर ये क्लियरली लिखा होता है कि उसके फादर को चेस्ट कैंसर है। वो काफी परेशान हो जाता है और अपना ध्यान इधर उधर लगाने के लिए वो अपनी बाइक को रिपेयर करने के लिए चला जाता है कि तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि जॉनी, मुझे तुम्हारी बाइकिंग स्किल्स काफी अच्छी लगती हैं और हो सकता है कि किसी दिन तुम मेरे लिए भी काम करो। जॉनी उससे पूछता है कि अच्छा, क्या आपका भी कोई शो है? तो वो कहता है कि हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शो। उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारे फादर को कैंसर है ना? तो जॉनी हैरान होकर पूछता है कि आपको किसने बताया? वो कहता है, इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हारे फादर को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जॉनी उससे पूछता है कि चलो बताओ, कितने पैसे लोगे तुम इस चीज के? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारी सोल, यानी तुम्हारी रूह। इस पर जॉनी काफी हंसने लगता है क्योंकि उसे इन बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। वो बूढ़ा आदमी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल कर देता है और जैसे ही जॉनी उसे पढ़ने लगता है तो उसके हाथ में एक पेन चुभ जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून का एक कतरा आ जाता है और उस पेपर पर लग जाता है। वो आदमी उससे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर छीन लेता है और कहता है कि दिस इज एनफ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जॉनी बेड पर नजर आता है। उसे लगा था कि शायद ही उसका ख्वाब हो सकता है। जॉनी घबराया हुआ अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि डैड, आप ठीक हैं क्या? तो उसके फादर आगे से कहते हैं कि मैं कुछ दिनों से बहुत अजीब महसूस कर रहा था। अपनी बीमारी की वजह से मैं काफी वीक होता जा रहा था, लेकिन न जाने आज सुबह ही मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं खुद को भी हेल्दी फील कर रहा हूँ। तभी वो अपने स्टंट के लिए निकलने लगते हैं तो जॉनी को भी साथ जाने का कहते हैं, लेकिन देखते हैं कि जॉनी तो कहीं और बिजी है। अपने फादर के पूछने पर वो बताता है कि मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, उसका नाम रॉक्सी है और उसके फादर उसे दूर भेजना चाहते हैं, तो मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ उसे यहाँ से लेकर। वो अपने फादर से कहता है कि आखिर कब तक मैं इस बाइक पर स्टंट्स करता रहूंगा, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। ये सुनते ही उसके फादर उसे एक चाबी देते हैं और ये चाबी उस बाइक की होती है जिसे बचपन से जॉनी चलाना चाहता था, और इसके साथ ही वो उसे विश करते हैं कि तुम्हारा नया सफर अच्छा गुजरे, और ये कहते ही वो चले जाते हैं। जॉनी के दोस्त का नाम रॉक्सी होता है और फिर वो हमें उसी बाइक पर दिखाया जाता है। उस जगह काफी शोर था। ये वो जगह थी जहाँ जॉनी के फादर स्टंट करने गए थे। पता करने पर जॉनी को पता चलता है कि उसके फादर की बाइक का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। फिर उसके सामने वही आदमी आता है जिसने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। जॉनी अपने फादर की डेथ को लेकर काफी परेशान था और इसी परेशानी में बाइक चलाते चलाते वो स्लिप होता है और बहुत बुरी तरह गिर जाता है, और यहाँ पर वो आदमी दोबारा दिखाया जाता है। उसे देखकर जॉनी गुस्से से कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? तुमने ही मेरे फादर को मारा है, तुम कैसे जानते थे कि उन्हें कैंसर है? वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने तो उनका कैंसर बस ठीक किया है, लेकिन हमारी डील में वो कैसे आ सकते थे? वो जॉनी के करीब आता है और उसकी चेस्ट यानी सीने पर हाथ रख कर कहता है कि मैं दोबारा आऊंगा। वो कहता है कि भूल जाओ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने प्यार को, तुम अब मेरे अंडर काम करोगे। ये सब होते ही जॉनी को झटका लगता है और वो गिर जाता है और उसकी आंखें आग की तरह लाल हो जाती हैं। उसके बाद वो रॉक्सी के पास जाता है जिस जगह से उन दोनों ने मिलकर जाना था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता बल्कि आगे चला जाता है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब जॉनी बहुत बड़ा स्टंटमैन बन चुका था। यहाँ पर जॉनी ने बहुत डेंजरस स्टंट करना था जिसके नीचे काफी ज्यादा कार्स को पार करना था। ये करते करते जॉनी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी बाइक और वो खुद बहुत जोर से गिरते हैं। सब लोग उसके पास आते हैं तो उसकी आंखें बंद देखकर डर जाते हैं। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वो पूछता है कि क्या मेरी बाइक ठीक है? तो सब कहते हैं कि हाँ। लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि उन्हें तो कोई चोट ही नहीं आई। साथ ही टीवी पर यह न्यूज ब्रेक हो जाती है कि जॉनी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टंटमैन है और उसे कुछ नहीं हो सकता। जॉनी के दोस्त उससे कहते हैं कि लगता है कोई फरिश्ता तुम्हारी जान बचाता है। तो जॉनी आगे से कहता है कि फरिश्ता या शैतान। फिर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी आता है
और उसके आते ही सब कुछ फ्रीज होना शुरू हो जाता है। लोग उसे ब्लैक हार्ट के नाम से जानते थे। वो अंदर जाकर सबको मारने लगता है, लेकिन वहां पर तीन लोग ऐसे मौजूद थे जो कि इंसान नहीं थे। वो उससे पूछते हैं कि यार तुम यहाँ क्या लेने आए हो। वो कहता है कि मैं यहाँ सैनविकेंस का कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ। वो यहाँ करीब किसी ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान में छुपाया गया है और तुम लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। वो कहता है कि जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। उनमें से एक शख्स पूछता है कि तुम्हारे बाप का क्या होगा। तभी हमें उसका बाप दिखाया जाता है और ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। वो बाहर अपने बाप के पास जाता है और कहता है कि हर चीज की कस्टडी मुझे दे दे, अब ये मेरा टाइम है। उसका बाप कहता है कि हाँ तुम्हारा टाइम भी आएगा, लेकिन बच्चे ये मेरा टाइम है। ब्लैक हार्ट अपने बाप से कहता है कि आप जानते हैं आप यहाँ खड़े खड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका बाप कहता है कि मेरा राइडर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ब्लैक हार्ट उसे टॉन्ट करते हुए कहता है कि वो गोस्ट राइडर, मैं तुम दोनों को जिंदा दफना दूंगा। और ये सुनकर वो वहां से चले जाता है। ये बूढ़ा आदमी एक शैतान था और गोस्ट राइडर इसके अंडर काम करता था। उसके बाद हमें जॉनी दिखाया जाता है जो कि अब तक की सबसे बड़ी जंप लगाने के लिए तैयार हो रहा था। वहां कुछ रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं तो जॉनी बोलता है कि मैं किसी को इंटरव्यू नहीं देता। तो पीछे से एक लड़की की आवाज आती है कि क्या अपनी दोस्त को भी इंटरव्यू नहीं दोगे। असल में वो रॉक्सी थी। तो जॉनी उसके पास आता है और अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं वो लोग। जॉनी जब वहां स्टंट लगाने के लिए जाता है तो वहां गाड़ियों की जगह छह बड़े हेलीकॉप्टर्स होते हैं और आज जॉनी ने इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से जंप लगानी थी। अब टाइम आता है जंप लगाने का और दिखाया जाता है कि जॉनी ने बड़े आराम से जंप लगा ली। सब लोग बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद वो रॉक्सी से मिलने जाता है जो कि उससे बहुत नाराज थी। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ने मिलकर कहीं दूर चले जाना था, लेकिन जॉनी उससे मिलने तक नहीं आया। लेकिन जॉनी उसे किसी तरह मना लेता है और रात 8 बजे वो लोग एक मीटिंग रखते हैं। जॉनी जब रेडी हो रहा होता है तो देखता है कि उसके हाथ काफी रेड हो गए थे और जब वो उस पर पानी डालता है तो देखता है कि उसके हाथों से धुआं उठने लगता है और उसके बाद उसको अपना नाम सुनाई देता है, जॉनी। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई भी नहीं होता, लेकिन उसको अपनी बाइक स्टार्ट हुई दिखाई देती है। उसके बाद हमें वही बूढ़ा शैतान दिखाया जाता है। जॉनी कहता है मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो वो आगे से कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मैं तुमसे दूर रहूं, मैं इतने सारे साल भी तुम्हारे साथ था, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब मैं तुमसे अपना काम करवाऊं। एक ब्लैक हार्ट नामी बंदे को ढूंढो और उसे मार डालो। जॉनी उससे कहता है कि हाँ मैं कभी नहीं करूंगा, तुम खुद क्यों नहीं कर लेते हो। बूढ़ा शैतान उसे कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम मेरा काम करोगे क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो और जैसे ही काम हो जाएगा मैं तुम्हें तुम्हारी सॉल वापस कर दूंगा। जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। इसके साथ ही वो बूढ़ा आदमी अपनी स्टिक जमीन पर मारता है तो बाइक के टायर्स रेड हो जाते हैं और काफी स्पीड में आ जाती है। इतनी स्पीड के चलते हुए आसपास की चीजें उड़ने लगती हैं और उस बाइक में आग लग जाती है। वो इतना तेज जाती है कि जॉनी को दूर जाकर फेंक देती है। इसके बाद हमें जॉनी की बॉडी दिखाई जाती है जो कि इस वक्त पूरी की पूरी आग में छुपी हुई थी। उसकी बॉडी पूरी आग बन चुकी थी। अब जॉनी घोस्ट राइडर बन चुका था। इसके साथ ही वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और कहता है कि तुम रूल ब्रेकर हो, तुमने अच्छा नहीं किया रूल तोड़कर, तो तुम वापस जहन्नुम में चले जाओ। लेकिन ब्लैक हार्ट उसकी कोई बात सुनने के बजाय अपने तीन आदमियों से उस पर अटैक करवा देता है और वो उसे ट्रक के नीचे दे देते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये मर चुका है और वहां से चले जाते हैं, लेकिन घोस्ट राइडर अभी भी जिंदा था। लेकिन ट्रक ड्राइवर वहां पे ही मौजूद था। घोस्ट राइडर उसे जलाकर राख कर देता है। थोड़ा आगे जाकर वो एक औरत को देखता है जिससे एक डाकू उसका पर्स छीन रहा होता है। वो उस औरत को सेफली उसे छुड़वाता है और उसको पकड़ कर कहता है कि तुमने आज तक जिन जिन लोगों को मारा और लूटा उन सब लोगों का दर्द मेरी आंखों में देखकर महसूस करो। उसके बाद उसको उन सब का पेन और दर्द फील होने लगता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इनफैक्ट घोस्ट राइडर के पास एक ऐसी पावर थी जिसकी वजह से वो उन लोगों को उनके गुनाहों की सजा दे सकता था। इसके बाद हमें ये रियलाइज होता है कि जहां जहां से घोस्ट राइडर की बाइक गुजरती है वो जगह आग से लाल हो जाती है। फिर हमें जॉनी अपनी असली हालत में वापस आता हुआ दिखाई देता है जिस जगह वह बेहोश होता है वो एक कब्रिस्तान था।
लेकिन जब उसको होश आता है तो वो एक कमरे में होता है, और जब वो कमरे से बाहर आता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो कब्रिस्तान का केयर टेकर था। वो उससे कहता है कि जो कल हुआ वो आज दोबारा होगा। जॉनी उससे कहता है कि कौन हो तुम? वो उससे कहता है कि मैं जो भी हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम एक गोस्ट राइडर हो, और मेरी मदद के बगैर तुम ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते हो। गोस्ट राइडर कहता है कि नहीं, मैं अब किसी की मदद नहीं लेना चाहता। तो वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इसे निभाना तो पड़ेगा ही। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि दिन में तुम जॉनी और रात में गोस्ट राइडर बन जाओगे। वो पूछता है कि क्या इससे पहले भी कोई गोस्ट राइडर था? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, आज से 150 साल पहले एक गांव सैन मैकेंजा में रहने वाला गोस्ट राइडर बना था। वो बताता है कि सैन मैकेंजा एक बहुत ही अच्छा और पीसफुल गांव था, लेकिन वहां पर कोई आदमी आया और उसने इन सब में दूरियां डाल दी, जिसके बाद गांव के लोग अपने ही लोगों को मारने लग गए, और उन सब की सोल्स अभी भी उस गांव में है। जॉनी उससे पूछता है कि इस सब से ब्लैक हार्ट का क्या कनेक्शन है? तो वो बूढ़ा आदमी बड़ा हैरान होता है कि क्या तुम उसके पीछे हो? तो जॉनी बताता है कि हाँ, उसके साथ और भी लोग हैं। तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि वो सब पहले फरिश्ते थे जिन्हें जमीन पर निकाल दिया गया था, और अब वो इस इंतजार में है कि दुनिया कब खत्म हो। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो, क्योंकि वो खुदा के घर में तो नहीं दाखिल हो सकते ना। जोनियो से कहता है कि ठीक है, आपने मुझे बताकर अच्छा किया कि मैं शैतान का शिकारी हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता। जोनी जब वापस आता है तो देखता है कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका है, रोड्स टूट चुकी हैं, और किसी को कुछ नहीं पता था कि ये सब किसने किया। फिर उसे अपनी दोस्त रॉक्सी दिखाई जाती है जो किसी का इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन यहाँ पर वो उससे नाराज होती है क्योंकि वो इस बार भी नहीं मिला था उससे, और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद जॉनी अपने घर आता है और गोस्ट राइडर पर लिखी हुई किताबें पढ़ता है। उसमें ये लिखा होता है कि अगर वो चाहें तो अपनी आंख को मिटा सकते हैं और उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। और फिर जॉनी उसी तरह ट्राई करता है, वो अपने हाथ से आग बाहर निकालता है और उसके कंट्रोल में आ भी जाती है। उसके बाद रॉक्सी दोबारा आती है और उससे कहती है, आई एम सॉरी, मैं इस तरह से तुमसे बात नहीं करना चाहती थी, और जॉनी के कमरे में लगी हुई उन दोनों की पिक्चर को देखती है। लेकिन जॉनी उससे कहता है कि आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। जॉनी भी ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे करना पड़ा क्योंकि अब रात हो रही थी और उसके गोस्ट राइडर बनने का टाइम भी आ रहा था। रॉक्सी कहती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम चाहते क्या हो? जॉनी उसे बताता है कि अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम मेरे साथ रहना पसंद नहीं करोगी। रॉक्सी कहती है, तुम एक बार बोल कर तो देखो। जॉनी उसको सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन रॉक्सी को इस बात पर बिलीव ही नहीं होता और वो वहां से चली जाती है। सिटी में जो इतनी ज्यादा तबाहियां हुई थी उन सब का रिस्पॉन्सिबल पुलिस गोस्ट राइडर को ठहरा रही थी, और वो उसे अरेस्ट कर जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है वो जेल की रोड्स को मेल्ट कर बाहर आ जाता है, और अब वो ब्लैक हार्ट से मिलने के लिए निकल जाता है। ब्लैक हार्ट को जब ये पता चलता है तो वो अपने आदमियों से कहता है कि जाओ उसे रोको जाकर, और दूसरी तरफ से पुलिस भी उसका पीछा कर रही होती है। यहाँ पर ये सीन क्रिएट होता है कि ब्लैक हार्ट का एक आदमी गोस्ट राइडर को बुलाकर भागने लगता है। अब गोस्ट राइडर उसके पीछे भागने लगता है और गोस्ट राइडर के पीछे पुलिस। यहाँ पर एक बिल्डिंग आती है और गोस्ट राइडर सीधा अपनी बाइक उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा देता है, जिसे देखकर लोग काफी डर जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। ये सब कुछ रॉक्सी भी देख लेती है और अब उसे यकीन होने लगता है कि शायद जॉनी सच बोल रहा था। बिल्डिंग के ऊपर पहुंचते ही गोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट के आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके अंदर हवा की पावर थी। लेकिन साथ ही गोस्ट राइडर एक चेन निकालता है और उसमें अपनी आग भरकर उसके इर्द गिर्द लपेटना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो भी जलकर मर जाता है। इसके बाद जॉनी दोबारा उसी आदमी के पास जाता है जिसने उसे गोस्ट राइडर के बारे में बताया था। जॉनी उससे पूछता है कि ये सब कैसे खत्म होगा, तो वो उसे बताता है कि ये सब ब्लैक हार्ट को मारते ही खत्म हो जाएगा। फिर वो आदमी उसे ग्रेव में ले जाता है, उस कब्र पर स्ले लिखा होता है। वो आदमी बताता है कि ये भी एक गोस्ट राइडर था, और सैन मैकेंजा में जो सोल्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके मुताबिक इसे भेजा गया था सोल्स को लेने के लिए। लेकिन जब इसने देखा कि ये काम तो बहुत मुश्किल है तो इसने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं दिया और लेकर वहां से भाग गया। ब्लैक हार्ट ये कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहता है क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, लेकिन
इस दौरान तुम अपने लोगों के करीब बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो तुम्हारे अपने लोगों को ही यूज करेगा तुम्हारे अगेंस्ट करके। अब जॉनी रॉक्सी के पास जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि ये क्या, यहाँ तो ब्लैक हार्ट पहले से ही मौजूद था। ब्लैक हार्ट उसे गले से पकड़ लेता है, तभी जॉनी भी गोस्ट राइडर बन जाता है और उल्टा उसी के गले को पकड़ कर कहता है कि मेरी आंखों में देखो, जितने लोगों के साथ तुमने बुरा किया या मारा, उन सब का दर्द मेरी आंखों में महसूस करो। ब्लैक हार्ट उसे कहता है कि हाँ, तुम्हारी ये पावर मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि मुझमें तो रूह ही नहीं है। और ये कहते ही उसे जोर से धक्का देता है, और इसके बाद वो उससे कहता है कि आज के बाद तुम मेरे बाप के साथ नहीं बल्कि मेरे लिए काम करोगे, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दोस्त रॉक्सी की जान बच जाए तो उसे सैन मैगेंजा में उसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलना। इसके बाद ब्लैक हार्ट वहां से जाता है और रॉक्सी को उठा ले जाता है। दूसरी तरफ जॉनी उसी बूढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है कि मुझे किसी भी हाल में अपनी दोस्त को बचाना है। वो कॉन्ट्रैक्ट उसी आदमी के पास था। जॉनी उससे कहता है कि काइंडली आप मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि नहीं, इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जॉनी उससे कहता है कि प्लीज आप मुझ पर यकीन करें, उन्होंने मेरी सोल ली है लेकिन मुझे खरीदा नहीं है, मुझमें अब भी मोहब्बत का जज्बा मौजूद है। तो बूढ़ा आदमी भी उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट लालच में नहीं बल्कि मोहब्बत में किया था, और इसीलिए गॉड भी तुम्हारा साथ दे रहा है, और मुझे लगता है कि तुम ही हो जो ब्लैक हार्ट को मार सकते हो। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन सैन विकेंजा गांव यहाँ से 500 मील दूर है, तो हमें अभी निकलना चाहिए। जॉनी हैरान होकर पूछता है, हमें मतलब? इसके साथ ही वो बूढ़ा आदमी सीटी मारता है और वहां से एक घोड़ा निकल आता है। तो वो उस घोड़े पर बैठ जाता है और जॉनी से कहता है कि मेरा आखिरी सफर अभी बाकी है। ये कहते ही वो अपनी हैट पहनता है, तो हम क्या देखते हैं कि वो भी एक गोस्ट राइडर में बदल जाता है। इनफैक्ट वो भी एक गोस्ट राइडर था, और ये वही आदमी था जिसने सैन विकेंजा का कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं दिया था। उसके बाद ये दोनों अपनी अपनी सवारियों पर सैंडिकन से गांव के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो आदमी कहता है कि बस मैं अब और आगे नहीं चल सकता, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार और गोस्ट राइडर बन सकता था और ये चांस मैंने आज के लिए बचा कर रखा था। ये कहते ही वो वहां से चला जाता है। अब जॉनी अंदर दाखिल होता है। ब्लैक हार्ट का एक ही आदमी जो कि अब बच गया था, वो गोस्ट राइडर को पानी के अंदर करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉनी गोस्ट राइडर में बदल जाता है और उल्टा उसी को पानी के अंदर करके मार देता है। इसके बाद वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि अब तुम रॉक्सी को छोड़ दो, लेकिन ब्लैक हार्ट रॉक्सी को दूर फेंक देता है। जॉनी के हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ब्लैक हार्ट के आगे करता है लेकिन उसे पकड़ाता नहीं, और साथ ही वो गोस्ट राइडर बन जाता है। उन दोनों में बहुत फाइट होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सूरज निकल रहा है और ब्लैक हार्ट इस चीज का फायदा उठाकर गोस्ट राइडर को उठाकर रोशनी वाली जगह पर फेंक देता है, और तभी वो जॉनी बन जाता है। वो विलेज देखने में बहुत खौफनाक था क्योंकि वहां पर बहुत सारी सोल्स थी। इसके साथ ही ब्लैक हार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट उठाता है और उसे ऊंची ऊंची पढ़ने लगता है कि यहाँ जितनी भी सोल्स मौजूद हैं आओ और मेरे अंदर समा जाओ। ये सुनते ही तमाम सोल्स उसके अंदर आने लगती हैं और ब्लैक हार्ट की आंखें बहुत ज्यादा रेड हो जाती हैं, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारी पावर्स आ गई थी। रॉक्सी जल्दी से गोस्ट राइडर के पास जाती है और उसे कहती है कि चलो अब हमारे जाने का वक्त हो चुका है, जो इसे चाहिए था वो हमने दे दिया। तो जॉनी उससे कहता है कि नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने ही शुरू किया और अब मैं ही इसे खत्म करूंगा। रॉक्सी उससे पूछती है कि आखिर तुम ही क्यों? तो जॉनी उससे कहता है क्योंकि मैं घोस्ट राइडर हूँ। इसके बाद ब्लैक हार्ट जॉनी की तरफ बढ़ता है। जॉनी उसे बहुत ज्यादा फायर्स मारता है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे धक्का देता है तो उसके हाथ से गन भी गिर जाती है। फिर वो अंधेरे में जाने की कोशिश करता है लेकिन ब्लैक हार्ट उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है कि अब नहीं, अब तुम्हारी दुनिया की सब सोल्स मेरे अंडर है। तभी रॉक्सी वहां पर आती है और उसको शूट करने लगती है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होता है और उसके हाथ से जॉनी गिर जाता है। रॉक्सी दोबारा से शूट करती है तो यहाँ पर ब्लैक हार्ट की गर्दन अलहदा हो जाती है, लेकिन जाहिर है कि उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स थी कि वो अपनी दोबारा गर्दन वापस ला सकता था। और फिर रॉक्सी की गन में गोलियां भी खत्म हो जाती है, तो जॉनी फौरन से कहता है कि ये गन मुझे दो और अपना हाथ अंधेरे में ले जाकर फायर करने लगता है, क्योंकि उसका हाथ अब आग का बन चुका था। और इसके साथ ही ब्लैक हार्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो सब के सब सोल्स उसमें से निकलने लगती हैं। लेकिन एज़ आई हैव टोल्ड, उसके पास बहुत सारी पावर्स थी, तो वो दोबारा से सब सोल्स को इकट्ठा करता है और अपनी असली शक्ल में वापस आ जाता है। लेकिन अब गोस्ट राइडर जानता था कि ब्लैक हार्ट को कैसे मारना है। वो उसके पास जाता है और कहता है,
कि तुम्हारे अंदर जितनी भी सोल्स हैं, उन्होंने जिस जिस को मारा है उन लोगों के दर्द को तुम महसूस करो। इसी के साथ उसको वो दर्द महसूस होने लगता है और इतनी सारी सोल्स होने की वजह से वो इतना सारा दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और यहाँ पर फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें ब्लैक हार्ट का फादर यानी वो बूढ़ा शैतान दिखाया जाता है। वो जॉनी के पास आता है और कहता है कि शाबाश, तुमने मेरा काम कर दिया, अब मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, तुम चाहो तो अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, एक नॉर्मल लाइफ। जॉनी कहता है कि नहीं, अब मैं ऐसे ही जीऊंगा और इन पावर्स को, इन एबिलिटीज को मैं तुम्हारे अगेंस्ट ही यूज करूंगा और जहां कहीं भी किसी का कत्ल होगा तो देखना, मैं वहां जरूर मौजूद होऊंगा और मैं तुम्हारे किए की सजा तुम्हें देकर रहूंगा। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो गोस्ट राइटर कहता है कि हम डरने वालों में से नहीं है। इसके बाद वो अपने स्टिक जोर से जमीन पर मारता है और एक जोरदार चीख मारकर वहां से गायब हो जाता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।